यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। बंसीधर नगर प्रखंड के कुस्तन गांव के ग्रामीणों ने फटा नाला में बांध निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि फटा नाला पर बांध बनने से कुस्तन गांव सहित रमना प्रखंड के अनेकों गांव कश्मीर की वादियों जैसी स्वर्गिक अनुभूति देने वाली बन जाएगी। हर खेतों को आसानी से पानी मिलेगा और किसान खेतिहर समृद्ध होंगे। ग्रामीणों ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में वे मतदान तो करेंगे, परंतु जो प्रत्याशी निर्वाचित होंगे उनसे यह आग्रह होगा कि फटा नाला बांध निर्माण पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे, क्योंकि उनकी यह मांग बहुप्रतीक्षित व काफी महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों ने कहा कि जो भी प्रत्याशी इस मांग को हर कीमत पर पूरा कराने का आश्वासन देंगे, बहुमूल्य वोट वे उन्हीं प्रत्याशी के पक्ष में देंगे। बोले सभी जनता का मांग है इसको बना जाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्षति नहीं है, और दो चार गाँव के अलावे अपना पंचायत के अलावे दूसरे पंचायत का भी लाभ होगा इसमें से। कौन कौन पंचायत को लाभ होगा? नरही पंचायत को होगा, इधर बजना को होगा, सफी को होगा और अपना पंचायत तो है। ये किस डैम से आती है पानी? ये पूरा जंगल विभाग से आता है पानी, पूरे जंगल का पानी वही चाना का। कौन नदी है इधर जो ये पानी जाती है? कहाँ नदी है? नहीं है, नाला है जो कि बाकी नदी में पानी यहाँ से मतलब फालतू का पानी निकलता है सब। तो मतलब बना जाने से जल स्तर ऊपर आ जाएगा। बोलिए कुसगढ़ पंचायत के अधौरी ग्राम में फटा नाला है और यह बहुत पुराना मांग है हम लोग के फटा नाला पर डैम का। अब इस संदर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री को अपने से स्वयं जाकर के माननीय सांसद बी डी राम जी को भी अपने से लेटर पैड पर लिख के देने का काम किया। माननीय उपायुक्त गढ़वा को भी हमने कई बार लिखा। यह डैम बन जाने से हमारा पंचायत तो कश्मीर हो ही जाएगा, इसके साथ साथ आपका रमना प्रखंड के दर्जनों गाँव, इधर नरही पंचायत के 7-8-10 गांव, कुल मिलाकर ये डैम जो है बहुत ही जनहित में उपयोगी है। और हम लोग कुसगढ़ पंचायत की जनता का मांग है कि आने वाला हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करें, मतदान तो करेंगे ही, लेकिन यह हम लोग का मांग जिनमिन मांग है और हम लोग के जो भी प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे उनसे आग्रह है कि इस मांग को कुसगढ़ पंचायत की जनता की मांग को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। पिछले सांसद से जब आप मांग किए तो मांग पूरा नहीं हुआ? नहीं नहीं, मांग हुआ, पूरा हुआ। क्या बोले थे सांसद? बोले कि हम देखेंगे, पदाधिकारी के भी कोई पदाधिकारी तो साइड पर नहीं है। सांसद के लिए अभी इस बार क्या है, वोट करेंगे या नहीं करेंगे आप लोग? हम लोग वोट करेंगे, लेकिन वोट करने से पहले मुद्दा से हम लोग अवगत करा देना चाहते हैं। हाँ, जो प्रत्याशी आप लोग को मुद्दा को पूरा करेगा उसी को हम लोग उसी को मतदान करेंगे।